हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नगमा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ, सीज़न का अभी शुरू हुआ है, सीज़न जाड़े का, उसमें मूली शुरू हुई है, एकदम ताज़ी ताज़ी मूली की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, यानी रेसिपी बनाऊँगी। तो मूली की सब्ज़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ये अब बहुत अच्छी और चटपटी बनती है, बड़ी अच्छी बनती है, और आप बॉयल भी करके बना सकते हैं और कच्ची भी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे कच्ची, तो आप लोग को दिखाते हैं कि मूली की सब्ज़ी के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए। ये देखिए, मेरी मूली जो है ये एक पाव के करीब है, इसको छील के काट के धुल के और इतने बड़े बड़े लंबे लंबे में, एक एक इंच में मैंने काट के इसको रखा है। अब इसके लिए मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक इंच का वो, और थोड़ा सा 5-6 जवा लहसुन, इसके डालने के लिए 2 टमाटर ग्रेवी बनाया है। आप काट के भी डाल सकती हैं, ग्रेवी भी बना के डाल सकती हैं। इसके लिए 3 से 4 हरी मिर्ची काटा मैंने, बघार में डालूंगी मैं एक प्याज, एक छोटी कटी हुई, और ये हम आलू डाल रहे हैं थोड़ा सा, 2 ठो, इसलिए कि घर में बच्चों को देने के लिए आसानी रहती है, मूली नहीं खाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जाड़े में मूली का परहेज करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, गला चोक कर जाता है, इसलिए अगर आप उस खा नहीं सकते तो इसको आप सब्ज़ी में बना के बॉयल करके नमक मिर्च छिड़क के भी खा सकते हैं। बहुत तरह से बनती है, बारीक काट के भी बनती है। अब इसके बघार के लिए प्याज तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसके अंदर सूखा लाल मिर्चा है, ये है वो हींग, ये है अजवाइन, ये ज़ीरा और ये राई, और हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा रखा है। अब आप लोग आइए इधर देखा, ये देखिए मैंने पैन में कड़वा तेल, यानी वो सरसों का तेल, हमने 2 चम्मच बड़े बड़े चम्मच से डाला है, ये हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये सूखे लाल मिर्चा, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हींग, और उसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, और ये डालूंगी ज़ीरा, ज़ीरे के बाद ये राई, जब चटक जाए अच्छे से, जब चटक जाए तो इसके अंदर फिर मैं डालूंगी प्याज। अब प्याज जब हल्का सा हो जाए तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मूली। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी प्याज हल्की सी हो चुकी है। अब इसके अंदर डालने के लिए हम ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है, थोड़ा सा ये डालूंगी, और इसी के साथ इसको चला के फिर मैं डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्ची, ये डालूंगी टमाटर की प्यूरी। आप टमाटर की प्यूरी ना बना के आप काट के भी डाल सकते हैं, नहीं है तो अचार भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये मूली, साथ में मसाला भुनाता रहेगा और मूली पकती रहेगी, नमक स्वाद अनुसार। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, बस और कुछ भी नहीं। अभी मैं नमक डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने नमक और भूखा हुआ मिर्चा डाला है, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं डाला है, इसलिए कि इसमें हल्दी नहीं चलती। अब इसको मैं नमक डाल चुकी हूँ, अब मूली खुद भी पानी छोड़ेगा, इसलिए क्यों है। अब इसको मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के बाद वो खुद अपने पानी से ही गल जाएगी मूली, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आलू डाल के आप लोग को बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ये मूली जो है वो आधी गल चुकी है, अब आधी गलना बाकी है, तो इसमें क्या करेंगे कि अब डालेंगे ये आलू। अब देखिए, ये मूली मेरी आधी गल चुकी है, आधी बाकी है, तो उसमें अब हम डाल देंगे आलू, चूंकि आलू जल्दी गल जाता है इसलिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, और फिर उसके बाद जो है अपने से गल के ये मैश होके मिल जाता है, हो जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो है कि मूली की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी है। इसको गार्निश करेंगे धनिए की पत्ती डाल के, ये, और ये देखिए, ये मेरी मूली जो है बिल्कुल, ये देखिए गली हुई है एकदम से अलग से, और बहुत टेस्टी है, चटपटी, एकदम नए तरह की मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बनाएंगे और खाएंगे मेरे तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसके बाद भी मैं आपको बताती रहूँगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए, कमेंट्स करिए। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।